महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विस मैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। कंगना रनौत हैज कॉल्ड आउट महाराष्ट्र'स रूलिंग पार्टी शिवसेना वंस अगेन। Yesterday, a few members of the party physically attacked a retired Navy officer just because he forwarded a WhatsApp post on CM Uddhav Thackeray. While the retired officer who served our country is still admitted to a hospital, the people who beat him up are roaming around freely with no serious action taken against them. A user wrote on Twitter, "Mumbai police, you arrest innocent Republic media journalists who were just doing their work and not arrest these people who have been openly beating up Indian citizens? You won't get away with that, Mumbai police. We demand a resignation." Another user wrote, "Wing Commander Abhinandan, after his plane crash landed in POK and was beaten, ex-Navy officer Madan Sharma, after posting cartoon on Uddhav, was beaten by Shiv Sena in Mumbai. See the similarity. Kangna was right all along, calling Mumbai as Pakistan-occupied Kashmir these days." Kangna has now demanded resignation from Uddhav Thackeray. महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्णव गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे, यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीज़ों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद।